हेलो बच्चों, वेलकम टू एम्पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, ठीक है। इसमें मैं आपको वेलोसिटी रेशियो के बारे में पढ़ाऊंगा, वेग अनुपात के बारे में पढ़ाऊंगा, और इतनी आसान तरीके से हम इसको डेरिवेशन को करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया और ये हो भी जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि जितने टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वेलोसिटी रेशियो बताइए क्या होता है, ठीक है। वो सिंपल के लिए भी पूछेगा, कंपाउंड के लिए भी पूछेगा, है ना, सरल के लिए भी पूछेगा और यौगिक के लिए भी पूछेगा। तो दोनों ही कंडीशंस के लिए हम इसमें करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब जब हम वेलोसिटी रेशियो की बात कर रहे हैं बेटा, वेलोसिटी रेशियो के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जब वेलोसिटी रेशियो की हम बात करते हैं तो इसमें पहला वर्ड जो आया वो आया वेलोसिटी। वेलोसिटी आया पहला वर्ड, है ना। ये क्या है? वेग अनुपात है। तो वेग अनुपात, ठीक है। अब वेग अनुपात की बात करने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि वेलोसिटी है क्या और वेलोसिटी रेशियो हम पढ़ रहे हैं। तो पहले यह तो पता कर लें कि वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये होती है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसकी डेफिनेशन है छोटी सी वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या मतलब है इसका? इसका यह मतलब है कि v जो है वो बराबर है किसके? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। ये इसका फॉर्मूला आ जाता है, ये इसका सिंपल फॉर्मूला आ जाता है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि कितने समय में हम कितनी दूरी कवर कर रहे हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी। यानी कि सपोज एक यहां पर एक ये पहिया है, एक व्हील है या पुली है। ये व्हील जो है, सपोज ये रोड है, ये सड़क है। अब इसने चलना शुरू किया और जैसे ही इसने चलना शुरू किया ये यहां पहुंचा, कुछ समय बाद ये यहां पहुंचा। जैसे ही ये यहां पहुंचा तो क्या हुआ, इसने ये डिस्टेंस कवर किया, ये तो ये इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और कितना समय इसने लिया वो हम क्या निकालेंगे? इसकी वेलोसिटी से हम इसको पता करेंगे। तो वेलोसिटी यहां पे आपको होता है। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी रेशियो के बारे में, ठीक है। अब वेलोसिटी रेशियो पढ़ने के लिए बेटा क्या है, सबसे पहले सिंपल बेल्ट ड्राइव की हम पहली कंडीशन करेंगे। सिंपल बेल्ट ड्राइव, सरल पट्टा चालन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सरल पट्टा चालन पहली कंडीशन, उसके बाद कंपाउंड के लिए पढ़ाऊंगा। अब जब सरल पट्टा चालन की मैं बात कर रहा हूं, सिंपल बेल्ट ड्राइव ये पहली कंडीशन है इसकी, ठीक है, ए कह दो उसको, ठीक है। सरल पट्टा चालन, सरल पट्टा चालन, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, हमें एक मॉडल बनाना है, ठीक है, ताकि हमें पता चले सरल पट्टा चालन हो कैसे रहा है। तो सरल पट्टा चालन कैसे हो रहा है बेटा, कि एक पुली ये लगी हुई है, किस शाफ्ट पर? इस शाफ्ट पर लगी हुई है, एक शाफ्ट है, एक पुली लगी हुई है और दूसरी पुली कुछ दूरी पर लगी हुई है इसके सेम एकदम सामने, ठीक है। अब इन्हें एक बेल्ट के जरिए जोड़ा गया है, एक बेल्ट के जरिए जोड़ा गया है, जोड़ दिया, ठीक है। ये थोड़ी छोटी बनाएंगे इस वाली को, थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे, ठीक है बेटा, इसको ऐसा, ओके। अब देखिए, ठीक है। अब इसका जो डायामीटर होगा वो होगा d1 और इसमें रिवॉल्यूशन जो हो रहे होंगे वो होंगे n1, ठीक है। ये चलना स्टार्ट करेगी सपोज इस डायरेक्शन में, तो
तो बेल्ट भी कैसे चलेगी इस डायरेक्शन में, टेंशन क्रिएट होगा टी वन इधर टी टू, ये घूम करके वापस आएगी, ये भी सेम डायरेक्शन में घूमेगी, कितना व्यास होगा इसका डी टू, कितना एन टू। अब कुछ चीजें यहां पे आई, अभी तो मैंने सिर्फ एक डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाया सिंपली क्या किया, एक बेल्ट है जो लगी हुई है दो मैकेनिज्म के ऊपर। अब देखो किस तरह से लगी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूं, किस तरह से लगी हुई है वो दिखा देते हैं हम आपको। ये देखो ये इस तरीके से लगी हुई है सिंपली आपकी, ठीक है, ये इधर मोटर लगी हुई है और इधर ये मशीन लगी हुई है, ऊपर ये बेल्ट घूमना स्टार्ट करेगी। अब सपोज अगर मोटर ने घूमना स्टार्ट किया आगे, तो बेल्ट आगे की तरफ चलेगी, सेम डायरेक्शन बेल्ट नीचे से घूम करके फिर से वापस आएगी, वही इसमें हो रहा है। तो जो पुली की दोनों के घूमने की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी। ये आपने देख लिया किस तरह से पट्टा इसके ऊपर लगा हुआ है। अब देखो बेटा इसमें हम लिखते हैं, अब ये वाली कौन सी पुली है हमारी, ये है ड्राइवर पुली, ठीक है, यानी कि चालक पुली, ठीक है, और ये है ड्रिवन पुली, ड्रिवन पुली यानी कि चलित पुली, चलित पुली, ये आपको याद रखनी है, ये है चालक पुली, ठीक है। अब इसमें थोड़े सा कुछ लिख लीजिए आप क्या, कि जो N1 है, ठीक है, N1 है इसमें, वो चालक पुली के प्रति मिनट चक्रों की संख्या है, ठीक है, N1 क्या है, चालक पुली के प्रति मिनट चक्रों की संख्या है, चक्रों की संख्या है, ठीक है, संख्या है। इसको क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, आरपीएम, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है किसका, ड्राइवर पुली का, तो आरपीएम ऑफ ड्राइवर पुली, आरपीएम ऑफ ड्राइवर पुली बेटा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम आपकी फ्रेश हो रही होगी, ठीक है। अब देखो N2 क्या है, चलित, चलित पुली के प्रति मिनट चक्रों की संख्या, संख्या, ठीक है, यानी कि आरपीएम ऑफ ड्रिवन पुली, ड्रिवन पुली, आरपीएम ऑफ ड्रिवन पुली। ऐसे ही अब डी वन क्या दिया है, जो स्मॉल डी वन है बेटा, ये है व्यास यानी कि डायमीटर है किसका, ड्राइवर पुली का, यानी कि व्यास है, व्यास है किसका, चालक पुली का, चालक पुली का, ठीक है, यानी कि डाया ऑफ ड्राइवर पुली, ठीक है। ऐसे ही D2 क्या है, D2 है सिंपल व्यास किसका, चलित पुली का, चलित पुली का, ठीक है, चलित पुली का, यानी कि डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुली, ड्रिवन पुली, ठीक है। ये चार चीज आपने सीख ली, ठीक है। अब देखो जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखाया था ना वेलोसिटी का फॉर्मूला एक आपको मैंने लिखाया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डी अपॉन टी, बड़ा काम आएगा ये फॉर्मूला भी आपका, अभी घूम करके आने वाला ये फॉर्मूला आपका दोबारा से, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपका अभी घूम करके आएगा वापिस फिर से, और उसी से ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, अब देखो हम जानते हैं कि इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है बेटा, 2πr, 2πr इसकी सर्कमफ्रेंस है, ये हम जानते हैं। तो अब अगर सपोज मैं निकालूं कि इसने कितनी दूरी की, तो क्या होगा,
कितने चक्कर में कितनी दूरी लगाई, सपोज इसने एक चक्कर घूमा तो एन कितना हो गया, वन, तो टू पाई आर इंटू वन या टू या थ्री, एन तो कितना भी हो सकता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे, एन लिख दिया बाई। अब ये मिनट में आया, मुझे सेकंड में निकालना है, तो मैंने क्या किया 60 से डिवाइड कर दिया, सिंपल, बड़ा आसान है, मैंने 60 से इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब मैं जानता हूं क्या कि मेरा वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 2 पाई आर एन बाई 60। अब मुझे पता है, मुझे पता है कि v बराबर आएगा किसके, पाई, और रेडियस जो त्रिज्या है, त्रिज्या का डबल होता है डायमीटर, यानी कि 2r किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा, ठीक है, रेडियस डबल होता है किसका, डायमीटर का, तो 2r की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, d लिख दिया, n एज इट इज लिख दिया, अपॉन में 60 लिख दिया, ये मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, पाई dn बाई 60, पाई dn बाई 60, पाई dn बाई 60, याद कर लीजिए इसको, पाई dn बाई 60, ठीक है, बुक में बड़ी आगे से स्टार्ट किया गया है इसको, ठीक है। अब सिंपल बेल्ट ड्राइव है, सिंपल बेल्ट ड्राइव है, तो जितनी वेलोसिटी से ये घूम रही है उतनी ही वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा, तो v1 इसकी वेलोसिटी है और v2 इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, जितनी वेलोसिटी से ये घूम रहा है उतनी वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा, सिंपल बेल्ट ड्राइव है बेटा। तो मैंने क्या किया, अब देखो ट्रिक इसे करने की बड़ी आसान, v इज इक्वल टू v, ये किसकी v है, v1, इसकी वेलोसिटी है ये, ठीक है, ये v2, यानी कि ड्राइवर पुली की v1, ड्रिवन पुली की v2, फॉर्मूला लिखो, पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 60, वन के लिए है तो डी बी वन एन बी वन, टू के लिए है तो डी बी टू एन बी टू, पाई से पाई कट गया, 60 से 60 कट गया, बचा क्या, बचा डी वन एन वन अपॉन सॉरी बचा डी वन एन वन बराबर डी टू एन टू, ये बचा, ठीक है, डी वन एन वन इक्वल टू डी टू एन टू। अब क्या करेंगे, इधर का मैं रफ कर देता हूं, शायद आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है, ठीक है, देखो तो मैं कहां पर आ गया, मैं आ गया डी वन, डी वन एन वन बराबर डी टू एन टू, यहां आ गया, क्या किया, डी टू को डी वन के नीचे लेके जाओ, डी वन अपॉन डी टू, और एन टू के नीचे एन वन को ले आओ, यही है क्या वेलोसिटी रेशो, इसी को तो बोलते हैं वेलोसिटी रेशो, आ गया वेलोसिटी रेशो किसका, सिंपल बेल्ट ड्राइव का, सरल पट्टा चालन का वेलोसिटी रेशो आ गया बेटा आपका, ये वीआर आ गया, वेग अनुपात आ गया आपका, ये किसका, सिंपल बेल्ट ड्राइव का, सरल पट्टा चालन का, कितना आसान था, दो स्टेप में खत्म कर दिया, आपको मेन चीज यहां समझना था बस, सरकमफ्रेंस ली 2πr, कितनी सरकमफ्रेंस, अब ये घूम रहा है कितने चक्कर घूम रहा है, इंटू कितने टाइम में घूम रहा है, बाई 60, यहां मिनट में आ रहा था, डिवाइड बाई 60 किया, सेकंड में निकाला, ठीक है, सिंपल, इस फॉर्मूले को क्या किया, 2r की जगह क्या रख दिया, d रख दिया, d रख दिया, पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 60, v1 बराबर रखा v2 के, क्यों, सिंपल बेल्ट ड्राइव है तो दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। अब देखो जो v1 वाले थे उनके साथ d1 n1, जो v2 वाले थे d2 n2, बाकी सब कट गया, d1 n1 बराबर आ गया d2 n2 के, ठीक है, उसके बाद क्या किया, d1 के नीचे ले गए d2 को, n2 के नीचे ले आए n1 को, वेलोसिटी रेशो आपका वेग अनुपात आ गया है, ठीक है, किसका, सरल पट्टा चालन का, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना आप, दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, कि वेलोसिटी रेशो क्या है, वेलोसिटी रेशो डायामीटर, डाया ऑफ, डायामीटर ऑफ ड्राइवर पुली, डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली अपॉन डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुली बराबर है किसके,
आरपीएम, ठीक है, आरपीएम ऑफ ड्रीवन पुली अपॉन आरपीएम ऑफ ड्राइवर पुली, ये आपने लिख दिया थ्योरी की तरह इसको, ठीक है क्या, यानी कि जो व्यास है ड्राइवर पुली का और जो व्यास है किसका, जो व्यास है किसका, चलित पुली का, उनका रेशो बराबर है किसके, आरपीएम के, जितने चक्कर लगा रही है ड्राइवर पुली अपॉन ड्रीवन पुली, यानी कि आपकी चलित पुली और चालक पुली, ठीक है सिंपल, ये क्या है ड्राइवर है, ठीक है ड्राइवर ड्रीवन ड्राइवर, यहां पे आपका सिंपल बेल्ट ड्राइव का जो डेरिवेशन है वो फिनिश होता है। अब मैं स्टार्ट करूंगा कंपाउंड, ओके। अब देखिए बच्चों, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, सपोज अब हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, हमें यह पता चला कि हम डायमीटर की हेल्प से, अगर हमें दोनों डायमीटर पता है तो हम रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी कि आरपीएम पता कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, देखो कि सपोज ये डायमीटर है इसका डी वन, इसका डायमीटर है डी टू, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब डी वन सपोज हमें दिया है बच्चों 60, डी वन सपोज हमें दे दिया है 60, डी वन अपॉन डी टू बराबर है एन टू अपॉन एन वन के, डी वन हमें दे दिया 60, डी टू हमें दे दिया 20, यानी कि इसका डायमीटर कितना है, इसका व्यास कितना है 60, इसका है 20, दे दिया, ये कितना आया 3। अब एन टू सपोज ये रिवॉल्व कर रही है, जो एन टू है वो रिवॉल्व कर रही है 300 आरपीएम की स्पीड से, ये घूम रही है 300 आरपीएम की स्पीड से और ये घूम रही है 100 आरपीएम की स्पीड से, ठीक है। तो एन टू अपॉन एन वन 300/100, ये भी कितना आ गया 3, बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गए, और ये कंडीशन बराबर ही आती है हमेशा, हमेशा बराबर आती है, बहुत जब आप एक चीज को बनाएंगे ना तो बड़ा सिस्टमेटिकली वो चीज डिजाइन की जाती है, ठीक है। तो ये बराबर ही आता है, देखो ये भी 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है, इसी तरह से आपको निकालना रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और आती है इसमें, अगर बेल्ट की, बेल्ट में थिकनेस दे दी, मोटाई दे दी, कि बेल्ट की जो आप रेशो निकालेंगे वो रेशो तो निकालिए लेकिन उसमें उसकी थिकनेस को भी इंक्लूड करिए, थिकनेस को भी जोड़िए, थिकनेस कितनी है, तो अब आप उसमें क्या चेंज होगा, चेंज ये होगा बेटा इसमें कि अब देखो बेल्ट जो है ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, बेल्ट की थिकनेस बढ़ी ना तो बेल्ट क्या हुई, थोड़ी सी मोटी हो गई, देखो ये बेल्ट थोड़ी मोटी हो गई, तो इसी तरीके से घूमेगी ना बेल्ट, ये देखो ये बेल्ट थोड़ी मोटी हो गई इस तरीके से, ठीक है। अब बेल्ट जब थोड़ी मोटी हुई तो मैं थिकनेस ऐड कर दूंगा इसमें, क्या करूंगा, थिकनेस थोड़ी सी ऐड करूंगा, ये देखो थिकनेस ऐड की मैंने। अब फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आएगा, फॉर्मूले में ये डिफरेंस आएगा बेटा कि देखो जितनी बेल्ट की थिकनेस यहां है उतनी ही यहां है, उतनी ही यहां है, उतनी ही यहां है, यानी कि थिकनेस अगर मैंने टी मान ली, थिकनेस मोटाई अगर मैंने टी मान ली तो मैं सिर्फ इसमें इस फॉर्मूले के अंदर थिकनेस को ऐड करूंगा, सिर्फ थिकनेस को ऐड करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी वन प्लस टी अपॉन डी टू प्लस टी इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, ये फॉर्मूला आता है जब आप इंक्लूड करते हैं थिकनेस को, साथ साथ लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला कब आता है, जब आप थिकनेस को इंक्लूड करते हो बेटा, जरूर शेयर करना, लाइक जरूर करना लेक्चर को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, एग्जाम नजदीक है, ठीक है समझ रहे हैं। तो ये थिकनेस बस इसमें मैंने ऐड की, इंक्लूड कर दिया थिकनेस को, इंक्लूड कर दिया इसको थिकनेस को, मोटाई को, तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है। अब मैं स्टार्ट करता हूं बेटा आपका कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, अब हम पढ़ेंगे यौगिक बेल्ट ड्राइव के बारे में, ठीक है, यौगिक पट्टाचालन के बारे में, वो भी मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, ये मैं उम्मीद करता हूं ये आपका क्लियर हो गया होगा, सिंपल बेल्ट ड्राइव एकदम अच्छे से। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के बारे में पढ़ना, ठीक है, इसका बी कंडीशन है, इसकी दूसरी कंडीशन है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, समझिए इसको, है ना, यौगिक पट्टाचालन के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं,
ठीक है, सिंपल इसको लिख सकते हैं आप, यौगिक पट्टाचार। ठीक है, इसका है मेन डायग्राम, मेन है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आपको सबके बनाने हैं बेटा, डायग्राम आपको सबके बनाने हैं। सबसे पहले क्या करो, एक पुली बनाओ। अब कंपाउंड बेल्ट ड्राइव हमने लास्ट लेक्चर में भी बनाई थी, तो आपको बनानी तो आती है सबको, है ना, सबको बनानी आती है। ये देखो एक बनाई, आप तो सिस्टमेटिकली बनाइएगा, कंपास से बनाइएगा तो और अच्छी सी बनेगी। ठीक है, ये दूसरी पुली लगाई बेटा मैंने, दूसरी पुली लगाई और एक और पुली मैंने यहां पर लगा दी। ठीक है, तीन पुली मैंने यहां पर ये लगा दी। मैंने क्या किया, इस पुली से इस पुली को कनेक्ट किया, सिंपल। ये ऐसा करते हैं, अंदर वाली पुली को जोड़ेंगे इसको नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये जो शाफ्ट है ना, ये वाली बीच वाली जो शाफ्ट है, इसी एक ही शाफ्ट से दो पुली जुड़ी होंगी, एक शाफ्ट से दो पुली जुड़ी होती है इसमें। इसका जो वर्चुअल है ना एनिमेटेड, वो मैं आपको आपके उसमें टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है ना, एम्पोली का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी भेज दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देख पाओगे, सिंपल है, बड़ा आसान है। देखो इसको समझो कि ये एक पुली है, ये क्या है, एक शाफ्ट है, और शाफ्ट पर एक पुली लगी हुई है, ये एक पुली है। ठीक है, ये घूम रही है। अब ये दूसरी शाफ्ट है, ये दूसरी शाफ्ट है, इस पर एक पुली यहां लगी हुई है और एक पुली यहां लगी हुई है, दो पुली लगी हुई है आगे पीछे। ये तीसरी शाफ्ट है और तीसरी शाफ्ट पर एक पुली ये लगी हुई है बेटा, ये लगी हुई है। ठीक है, अब क्या किया आपने, इस पुली को इस पुली से जोड़ा बेल्ट की हेल्प से, तो इसने इसको घुमाया। ठीक है, ये घूमने लग गई, शाफ्ट घूमने लग गई। जब शाफ्ट घूमने लग गई तो शाफ्ट के साथ ये पुली भी घूमी। अब ये पुली को जैसे ही घूमी आपने, इसको बेल्ट से इस वाली पुली को भी जोड़ दिया, तो ये भी घूम रहा है साथ साथ। ठीक है, वही चीज इसमें करनी है। आपने सिंपली क्या करा, इसको जोड़ा, छोटे वाले को घुमाया, चलो भाई छोटे घूम जाओ। ठीक है, उसके बाद बड़े वाले से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बड़ा आसान। ठीक है, इस तरह का आपका डायग्राम बन गया बेटा। अब क्या करेंगे, अब इनकी नेमिंग करेंगे बड़ी आसान तरीके से। देखो इसमें क्या होगा, N1 D1 रिवॉल्यूशन पर मिनट और इसका व्यास D2। अब समझना थोड़ा समझना, D2 N2 किसका है, छोटी वाली पुली का। ठीक है, दोनों बिचली पुली है लेकिन छोटी वाली का है। ठीक है, यह है आपकी ड्राइवर पुली, है ना, चालक पुली, चालक पुली यही है, ड्राइवर पुली, और ये चलित पुली है, चलित पुली है, ये ड्रीवन पुली है। ठीक है, ये बीच वाली पुली है, तो D2 N2, और इस बड़ी वाली का क्या है, D3 N3। ठीक है, यहां आ जाइए, इसका है D4 N4, सिंपल। व्यास भी दे दिया हमने और रिवोल्यूशन पर मिनट भी बेटा यहां पर हमने दे दिया, डायग्राम आपको समझा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूं, एक ही लेक्चर है। ठीक है, लास्ट डेरिवेशन में, लास्ट कंडीशन में पढ़ा कि सर आपने बताया कि D1/D2 बराबर होता है N2/N1 के। मैंने कहा बिल्कुल होता है सर, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल यही होता है। तो सर अगर ऐसा है तो क्या, अगर D1/D2 बराबर है N2/1 के, ठीक है, N2/N1 के, तो क्या D3/D4 बराबर होगा क्या N4/N1 के। मैंने कहा बिल्कुल होगा बेटा, यही तो बात थी जो तुम्हें समझनी थी, यही है। आपने कहा वेरी गुड सर, ये तो हम पकड़ लिए। ठीक है, अब मैंने कहा पकड़ लिए तो छोड़ना नहीं, तो क्या किया, इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, ये मार्कर मैं आज ही लाया हूं, मैंने उससे कहा था रेड दे देना, मुझे लग रहा है उसने पिंक दे दिया, है ना, पिंक चल रहा है ये। अब क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, सिंपल इसमें, अब हमें पता है, देखो हमें पता है कि जो N2 है और जो N3 है उसके रिवॉल्यूशन सेम होंगे, क्यों, दोनों एक ही शाफ्ट पे लगी हुई है तो दोनों सेम RPM से घूम रही होंगी, तो N3 बराबर हो गया N2 के, N2 बराबर हो गया किसके, N3 के, सेम शाफ्ट पे लगी हुई है दोनों, है ना। अब अगर ये बात मुझे पता चली कि सर ऐसा हो गया है,
तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन वन को टू से, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया इनको, ठीक है, गुणा किया, सिंपल रखा मैंने, ठीक है, डी वन अपॉन डी टू मल्टीप्लाई बाय डी थ्री अपॉन डी फोर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन मल्टीप्लाई बाय एन फोर अपॉन एन थ्री, एन थ्री, ठीक है। अब मुझे पता है कि एन टू बराबर है एन थ्री के, तो अगर मैं एन टू की जगह एन थ्री लिख दूं या एन थ्री की जगह एन टू लिख दूं तो बात तो ये कट रहा तो ही, ठीक है, कट गया। अब जैसे ही ये कटा तो मुझे मिला डी वन अपॉन डी टू इंटू डी थ्री अपॉन डी फोर इज इक्वल टू एन फोर अपॉन एन वन, एन फोर अपॉन एन वन, ये मुझे मिला। तो यही तो है वेलोसिटी रेशो, यही है वेलोसिटी रेशो, यही है वेग अनुपात, किसका, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का, यौगिक पट्टा चलन का, यही है, सिंपल खत्म हो गया, बड़ा आसान था ये तो, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता वेग अनुपात, वेग अनुपात क्या क्या है ये, कि जो वेलोसिटी रेशो है, जो वेग अनुपात है किसका, कंपाउंड का, वो क्या है, वो गुणा है किसका, गुणा है किसका, अंतिम पुली के आरपीएम अपॉन प्राथमिक चालित पुली के आरपीएम, ठीक है, ये अंतिम पुली है, ये प्राथमिक पुली के आरपीएम है, लिख लो अंतिम पुली यानी कि लास्ट पुली जो है ना, आरपीएम ऑफ लास्ट पुली, लास्ट पुली कौन सी है, एन फोर अपॉन आरपीएम ऑफ स्टार्टिंग पुली, स्टार्टिंग पुली बराबर है, बराबर है किसके, किसके बराबर है, चालक पुलियों के व्यासों की गुणा, है ना, जो चालक पुली है उनके व्यासों की गुणा, चालक पुली के व्यासों की गुणा, ठीक है, अपॉन चलित पुलियों के व्यासों की गुणा, जो चलित पुलिया है, देखो दोनों चालक पुली है, जो डी वन है बेटा यहां समझना, ये डी वन जो पुली है ये चालक पुली है, ठीक है, यहां ये चालक है, ये चलित है, छोटी वाली चलित है, जब ये चली ये फिर से चालक बनी यहां और ये चलित है, तो D3 क्या है, चालक पुली है, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, चालक पुलियों के गुणा यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ ड्राइवर पुलीज अपॉन मल्टीप्लाई ऑफ ड्रिवन पुलीज, सिंपल, बड़ा आसान है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका देखिए बड़ा आसान था ना, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लीजिए इसको, क्या है कि मैंने एक कंपाउंड बेल्ट ड्राइव बनाई, ठीक है, ये कौन सी पहली पुली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। अब जो डी वन है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, डी वन आरपीएम एन वन, छोटी वाली का D2 N2, D3 N3, D4 N4, ठीक है। मैंने लास्ट जो है टॉपिक था उसमें पढ़ा कि D1 अपॉन D2 बराबर है N2 अपॉन N1 के, अगर ऐसा है तो D3 अपॉन N3, सॉरी D3 अपॉन D4 बराबर होगा N4 अपॉन N3 के, क्योंकि यहां पर भी तो वही कंडीशन आ गई जो यहां पर थी, वही कंडीशन आगे बढ़ गई, ये ड्राइवर बन गई, ये ड्रिवन बन गई, अब बड़ी वाली ड्राइवर, वाली ड्रिवन, ये बन गई, तो बिल्कुल सही है सर। अब मैंने देखा कि ये दोनों एक ही शाफ्ट पे लगी हुई है, ये तो खेला हो रहा है हमारे साथ, एक ही शाफ्ट पे दोनों पुली लगा दी है, तो अब क्या हुआ, इनका आरपीएम सेम हो गया, ठीक है, क्योंकि शाफ्ट जो घूम रही है वो तो एक ही शाफ्ट है ना, एक पे दोनों पुली लगी हुई है, तो सिंपल एन टू बराबर हो गया एन थ्री के। मैंने दोनों इक्वेशन को ढाया, मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, जैसे गुणा किया बराबर आ गया N2, अब N2 की जगह पे N3 रख दूं या N3 की जगह पे N2 रख दूं, बात तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा N4 और N1, तो N4 अपॉन N1 बराबर आ गया इसके, इसको मैंने थ्योरी में लिख दिया आपका, तो ये टॉपिक आपका यहां पर फिनिश हो गया, ठीक है। अब एक और छोटा सा थ्योरी का टॉपिक है, वो और कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है साथ साथ, कि कंपेरिजन है ओपन बेल्ट ड्राइव में और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, ठीक है, कंपेरिजन
कंपैरिजन है ओपन बेल्ट ड्राइव में और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, कंपैरिजन कर रहा हूं। ये थ्योरी में पूछ लिया जाता है बेटा, ओपन बेल्ट ड्राइव है एक और एक क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव है, दोनों बेल्ट ड्राइव आपको पता है क्या क्या होती है। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 4 देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। देखो ओपन बेल्ट ड्राइव में जो दिशा होगी दोनों पुली की वो सेम होगी, पहला जो डायरेक्शन होगी जो दिशा होगी वो सेम होगी, ठीक है। इसके नोट्स आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव जो होगी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, उसमें जो डायरेक्शन होगी दोनों पुली की वो ऑपोजिट होगी, एक अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी बेटा, दोनों का डिफरेंस चल रहा है ये, है ना, खुली पट्टा चालन, ठीक है, खुला हुआ पट्टा चालन और दूसरा उभयमुखी पट्टा चालन, समझो इतना, ठीक है। दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरा आता है कि ये कम शक्ति पारेषण करती है, कम शक्ति पारेषित करती है और ये ज्यादा शक्ति पारेषित करती है, ज्यादा शक्ति पारेषित करती है, ज्यादा शक्ति बारिश करते, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आ गया। तीसरा है कि इसमें हम आइडलर पुली का यूज कर सकते हैं, आइडलर पुली का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आइडलर पुली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें आइडलर पुली का इस्तेमाल आप बेटा नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है क्रॉस, ठीक है, आइडलर पुली का इस्तेमाल करना। दूसरा इसमें क्या है, जो ओपन बेल्ट ड्राइव है, ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव में जो पट्टा है, पट्टा है यानी कि जो बेल्ट है वो कम घिसती है, कम घिसती है, लेकिन क्रॉस्ड में पट्टा ज्यादा घिसता है, पट्टा ज्यादा घिसता है, ज्यादा घिसता है। ये चार डिफरेंस है, जरूर दिमाग में रखना इसको, कभी कभी दो नंबर में एक नंबर के सवाल में पूछ लेता है कि बताइए ओपन बेल्ट ड्राइव क्या है और क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या है, तो ये चार पॉइंट आप लिख देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक बीच बीच में भी कराता रहूंगा, ठीक है। तो बच्चों इसको डेरिवेशन को बार बार करके देखना, ठीक है, बिल्कुल बार बार करके देखना मेरे साथ साथ वीडियो के साथ साथ, ठीक है। और बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा सारे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, आपकी बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत है जो मैं डेली बोलता हूं, तो शेयर करते रहा करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। बाकी अपना ध्यान रखिए, है ना, मेहनत अच्छे से करिए, पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।